इस मॉड्यूल में हम टीनिया सोलम यानी पोक टेपवम के बारे में डिस्कस करेंगे ये टीनिया सोलम अ क्लोज रिलेटेड टेपवम जिसको कॉमनली हम पोक टेपवम भी कहेंगे इसका लाइफ साइकिल जो है पिछले टेप वर्म, पिछली लेक्चर में हमने टीनिया सेजि, सेजिनेटस के बारे में जो बात की थी उसके साथ ही इसका लाइफ साइकिल जो है वो मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसका होस्ट जो है वो डिफ़रेंट है इसका होस्ट जो है दैट इज़ नॉर्मलिया पिग और इसमें जो स्ट्रॉब है दैट हैज़ बिन रिपोर्टेड कि उनका साइज़ जो है इसके अंदर डिफरेंट है टीनिया रिंकस से इसका साइज़ कितना होगा टेन मिलीमीटर लॉन्ग लेकिन दो से तीन मीटर तक इनका साइज़ जो है दैट इज़ मोर प्रेवलेंट कि मिनिमम जो है इनका साइज़ दो से तीन मीटर है और मैक्सीम इनकी लेंथ जो है बॉडी की दस मीटर तक हो सकती है और लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर होस्ट की बॉडी के अंदर इनको कंडीशंस फेवरेबल मिलें इसकी पैथोलॉजी जो है दैट इज़ मोर सीरियस एज कम्पेयर टू देट ऑफ द ह्यूमन बींगूमन बींग की बॉडी में जो बाम्बस अटैक करते हैं वो मेडिकली शायद इतने सीरियस नहीं है, लेकिन जब ये पिक की बॉडी में अटैक करते हैं दे आर मेडिकली मोर इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस अब इनके अंदर जो प्रोग्लॉटिड है उसको हम कहेंगे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का मतलब है कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा है दे आर हैविंग अ मच मोर नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्म्स और इसमें जो लार्वा बनेगा उसको हम कहेंगे ओनिकोस्फेयर ओनिकोस्फेयर जो हैं देन दे विल लीव द स्मॉल इंटस्टाइन एंड ऑफ द ह्यूमन होस्ट और जब ये लार्वे हेच होंगे तो दे मूव थ्रू द इंटस्टाइनल वॉल दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द होस्ट अब होस्ट के अंदर अगर ये ह्यूमन बींग्स है इनका होस्ट तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे इनके गिर्द एक थिक लेयर डेवलप हो जाएगी जिसको हम सिस्ट कहेंगे और इस स्टेज पे ये एनसिस्टेड लार्वे कहलाएंगे अब जो डिज़ीज़ है उसको जो कि इसकी वजह से डेवलप होती है उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं सिस्टी सिरकोसिस अब ये सिस्टी सिरकोसिस डिजीज़ जो है नॉर्मली इट इज़ फेटल किस सूरत में फेटल होगी अगर ये लार्वा बॉडी से ब्रेन में मूव कर जाता है तो ब्रेन में जाके फिर ये बॉडी फंक्शंस को हेल्ड कर देगा देन इट इज़ सेड टू बी अ फेटल यहाँ पे ये देखें लाइफ साइकिल पोक टेप बम का यहाँ दिस इज अूमन बींग ये नॉर्मली जो पोक लोग खाते हैं उनके अंदर ये लारवा मौजूद होगा अब जब ये इसकी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में फिर जो है ये ब्लैडर स्टेज पे चला जाएगा ब्लैडर स्टेज पे जब ये चला जाएगा तो इसके अंदर स्कोलेक्स जो है स्कोलेक्स इज़ अ स्ट्रक्चर जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं स्कोलेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वेल well डेवलप्ड होता जाएगा नेक्स्ट आप देखें कि इसके अंदर स्कोलेक्स जो हैं दिस इज़ डवेलप्ड एंड इट इज़ इन दी वाल ऑफ ह्यूमन इंटस्टाइन यहाँ पे प्रोग या स्कोलिक्स का साइज बहुत इनक्रीज कर गया और अगेन इफ इट इज़ इटन बाय दिस पिग तो पिग की बॉडी के अंदर ब्लैडर वर्म जो है वो एनसिस्ट बना लेंगे और पिग के मसल्स में चले जाएँगे पिग उस पिग के मसल्स को अगर एज अ मीट ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं तो ये अगेन उनकी बॉडी में एंटर हो जाएगा और दिस लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट होता है टू में पिग एज वेल एज ह्यूमन बींग इसको हम पोक टेक बम किस लिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पोक दैट इज़ ईटन बाय ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इसका जोलॉजिकल नेम क्या है टीनिया सोलियम तो इसके लिए भी बेस्ट प्रोटेक्शन वे जो है दैट इज़ कुकड फूड और रॉ फूड और अन फूड जो है दैट मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू सेव फ्रॉम दिस डिज़ीज़